Hello everyone, welcome to Ekam IAS Academy. So, my name is Vijay Kumar. As you know, we were discussing the Down to Earth article regarding with this particular aspect of slumming it. So, इसमें और एक article ढूंढना था हमें ढूंढ के, है ना? This is part 5 of this particular magazine. As you know, we are making very smaller and smaller videos to give the greatest advantage to the students. So, if you could see, winter without snow is the article which I have lifted from one of the corners of Down to Earth article because many tends to only cover the cover story of it, but there are many facts which have to be covered so that if any question frames from prelims in that aspect, you would be in a position to answer it. So, winter without snow, ये हिमालयस के बारे में, कश्मीर के बारे में, हिंदू कुश माउंटेन्स के बारे में ये आर्टिकल दिया गया था. ऑलरेडी लास्ट डाउन टू अर्थ आर्टिकल में फरवरी मंथ में इसके बारे में बोला गया था, बट फिर ये दोबारा आया, तो हो सकता है दिस पर्टिकुलर आर्टिकल माइट बी इंपॉर्टेंट. अगर आप देखेंगे, इट हैज रिकॉर्डेड लो स्नो रेनफॉल इन द हिमालयस विच इज एन एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज विच इज स्पीडिंग अप. तो हिमालयस रीजन में, ये हिंदू कुश हिमालयन रीजन जो भी है, यहाँ पे बहुत कम स्नोफॉल हुआ. सो हिंदू कुश रीजन में जनरली, ये हिमालयन रीजन हिंदू कुश रीजन में देखेंगे, जनरली द स्नोफॉल वुड अकर फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. सो दिस पर्टिकुलर अक्टूबर टू मार्च जो भी है, इसमें हमें स्नोफॉल होगा. सो हिंदू कुश हिमालयन रीजन वुड बी हैविंग द स्नोफॉल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. सो 2023 जो भी था, अगर आप देखेंगे, वॉज द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड. इसका पूरा कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे, 1.5 degree centigrade of average increase of temperature has happened, and that particular increase in average temperature has made western disturbances to disrupt, which generally creates rainfall. Generally, India में winter season में, as we have less temperatures, so precipitational patterns would be less. So it is this western disturbances which generally creates rainfalls in the states of Punjab and Haryana, and it tends to create snowfall in the Himalayan regions. So अगर उसका बात करेंगे, this particular western disturbances which is there, this is the main reason why we experience the snowfall during the winter season in Himalayas. So disruption जो western disturbances में हुआ था, due to fast heating up of the world, so that might have been the reason why we might have been recorded low rainfall. सो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में ऑलरेडी बहुत बार मैंने बताया था, बट फिर भी एक बार बताता हूं. जनरली मेडिटरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस्ड इन एंड अराउंड मेडिटरेनियन सी रीजन्स, द कंट्रीज विच आर बॉर्डरिंग मेडिटरेनियन सी, एंड इट इज एक्सपीरियंस्ड इन एंड अराउंड कैलिफोर्नियन रीजन ऑफ यूएसए एंड इन सम पार्ट्स ऑफ चिली. सो ऐसा थोड़ा जगह पे मेडिटरेनियन क्लाइमेट होगा, एंड इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट का एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट दिस इज गोइंग टू make essence of having winter maxima rainfall. ये याद रख लो, मेडिटरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में विंटर मैक्सिमा रेनफॉल होगा. तो मेडिटरेनियन सी सराउंडिंग में विंटर मैक्सिमा रेनफॉल फ्रॉम द फ्रंटल डिस्टर्बेंसेस एंड टेम्परेट साइक्लोन्स, वो जो मॉइस्चर लेटेंट विंड्स हैं, दैट वुड बी ड्रैग्ड टुवर्ड्स इंडियन मार्जिन. मतलब इट क्रॉसेस ऑल दिस ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, देन एंटर्स इंडिया, and it would be brought by subtropical westerly jet. And ये जो भी subtropical westerly jet है, this particular subtropical westerly jet tends to make this particular western disturbances to reach India. So subtropical westerly jets, generally they are those particular high elevated jet streams which move in the upper air circulation zones. So वो western disturbances हरियाणा, पंजाब में rainfall create करेंगे winter में, हिमालयस में जाके स्नोफॉल क्रिएट करेगा. सो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के ऊपर जो इंपैक्ट है, दैट इज बीइंग क्रिएटेड एज सच. तो ग्लोबल वार्मिंग तो सबको पता है. व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग? एवरेज इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर्स, उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे. सो दिस पर्टिकुलर ग्लोबल वार्मिंग इज अकरिंग ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, एंड दिस पर्टिकुलर ग्लोबल वार्मिंग विच इज देयर, सो इट इज फर्दर क्रिएटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ला नीना एंड एल नीना कंडीशंस. Generally, El Niño is a phenomena which occurs every 3 to 5 years as such as a cycler frame, but now it has been increased to 2 to 7 years as such. So global warming is contributing to La Nina and El Niño. Generally, El Niño refers to a phenomena of wind circulation where high pressure is created on Australia, low pressure is created on South America, will be having a movement of that particular southern Pacific Ocean, influences the weather pattern across the world, and उस weather pattern जो disturbance करेंगे ये global warming, El Nino, La Nina, this El Nino, La Nina has a direct impact on Indian monsoon as such. But this El Nino, La Nina is also impacting the western disturbances, where in western disturbances are impacting Indian region. In April 2023, अगर आप देखेंगे, weather patterns switched to El Nino condition after 3 years of La Nina. So El Nino condition अगर है, तो you will be finding droughts in India. La Nina condition अगर है, you would be finding extreme floods in India. This is what the major aspect is. So please try to focus upon this particular aspect. सो ये जो हीटिंग पैटर्न की वजह से वेदर पैटर्न जो एल नीनो को शिफ्ट हुआ था अप्रैल 2023 में, व्हाट वाज द रिजल्टेंट इज, ये एल नीनो शिफ्ट होने की लाइक द कंसिक्वेंस ऑफ दिस एल नीनो शिफ्ट मेड द मैरीन हीट वेव्स टू बी जनरेटेड इन एंड अराउंड मेडिटरेनियन सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको, नॉर्थ अमेरिका के पास में, इंडियन ओशन में, नॉर्थन पैसिफिक में, नॉर्थ अटलांटिक में मैरीन हीट वेव्स को जनरेट किए. एंड दीज मैरीन हीट वेव्स व्हिच हैव बीन जनरेटेड, they have been generated because of this particular El Nino. Further, ये marine heat waves की वजह से which were experiencing high sea surface temperature. So marine heat waves जो भी हैं, these marine heat waves generally, these particular heat waves are increasing the sea surface temperatures, which are further contributing to severe tropical cyclone development, and severity of western disturbances are being influenced. सो द टेम्परेचर एनोमली, मतलब ये सी सरफेस टेम्परेचर का टेम्परेचर एनोमली हुआ था. व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर एनोमली? फॉर एग्जांपल, इफ ऑन दिस पर्टिकुलर लैटिट्यूड 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज द एवरेज टेम्परेचर, बट along this particular water body the temperature has increased to 5 degrees and created 25 degree, so there has been negative temperature anomaly by 5 degree. So average temperature se bhi temperature बढ़ गया था, तो वो change in temperature, average temperature, उसको हम temperature anomaly बोलेंगे. So the temperature anomaly in 2023 appeared to have weakened and delayed western disturbances affecting winter rainfall and snowfall. So this is what the aspect is. सो नोट अगर आप देखेंगे तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के इंपैक्ट ये टेम्परेचर एनोमली से रिलेट कर दो, एंड ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फाइनली क्या हुआ, विंटर रेनफॉल एंड स्नोफॉल को इफेक्ट किया हिंदू कुश हिमालयन रीजन में. तो ये वेस्टर्न हिमालयस की कहानी है, ईस्टर्न हिमालयस की कहानी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पर कुछ नहीं है. ईस्टर्न हिमालयस दे जनरली एक्सपीरियंस समर प्रेसिपिटेशन विच इज द मेन सोर्स. ओके, सो एनुअल स्नोफॉल मेल्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स, ये जो स्नो मेल्ट है, स्नो अगर है तो मेल्ट होगा ना, वो स्नो मेल्ट के कारण 23% ऑफ द फ्लो ऑफ 12 मेजर रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन हिंदू कुश हिमालयस, ये उसका सोर्स बन रहा था स्नो मेल्ट. बट अभी ये स्नो मेल्ट नहीं है, स्नो ही नहीं है, तो ऑब्वियसली देयर शैल बी ह्यूज इंपैक्ट ऑन डाउनस्ट्रीम ऑफ रिवर्स दैट विल फर्दर इंपैक्ट एग्रीकल्चर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल हु आर रिलाइंग ऑन इट, एंड फर्दर ड्यू टू दिस पर्टिकुलर फिनोमिना वी वुड बी एक्सपीरियंसिंग एक्सटेंसिव एवलांचेस and flash floods which would be created in the Himalayan regions. So the extremely dry winter in Himalayas is a cause of concern now, which follows years of below average snowpack accumulation, is expected to further strain water resources this spring and summer. So snow नहीं है तो maximum जो भी जितना भी snow था, glacier था, वो maximum melt होने का chances मिलेंगे, उससे impact on agriculture and Himalayan ecosystem के ऊपर. सो हिमालयन इकोसिस्टम में जो फ्लोरा है, फौना है, बायोडाइवर्सिटी है, सो दैट पर्टिकुलर एंटायर बायोडाइवर्सिटी वुड बी डिस्टर्ब्ड एज सच अलोंग विद द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. सो और एक चीज है कि लाइक हमें स्प्रिंग सीजन ही भूल गए, स्प्रिंग सीजन है ही नहीं है, सो डायरेक्टली विंटर से समर में घुस रहे हम. जनरली ऑटम सीजन इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम समर टू विंटर, स्प्रिंग इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम विंटर टू समर, ना ऑटम है ना स्प्रिंग है. सो दीज विंटर्स जहां पे स्नोफॉल नहीं हुआ था, जो फरवरी मार्च तक खत्म होनी चाहिए, दीज विंटर्स आर पुशिंग इनटू द स्प्रिंग, इनटू द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मे. सो स्प्रिंग सीजन इज बीइंग रिड्यूस्ड एज सच. सो स्नोफॉल इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे, जो मार्च में खत्म होना था वो अप्रैल एंड मे तक पहुंच रहा है. सो ये मार्च अप्रैल मई में स्नोफॉल पहुंचने से इट विल लीड टू ड्रॉट कंडीशंस severely affecting agriculture and drinking water supplies. So winters are being pushed to spring. Spring में जो snowfall है, which results into droughts. So droughts and these particular aspects where winters being pushed into the spring season, we would be having affecting on monsoon because ये तिब्बत में जब स्नोफॉल होगा तो हीटिंग अप ऑफ टिबेटियन प्लेट्यू, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट फॉर्मेशन एंड मैस्करेन हाई फॉर्मेशन, ये सारे इंपैक्ट होंगे। इस साइकिल से मॉनसून वीकेंड होगा। सो कहा का वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ड्राई विंटर्स क्रिएट करने की वजह से, लेस स्नोफॉल की वजह से, देखो भाई मॉनसून के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है। मतलब इसका मतलब हर क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ इंडिया के ऊपर ये इफेक्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई हिमालयस आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द क्लाइमेट, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर आप देखेंगे स्नोफॉल इन स्प्रिंग कुड बी ए चैलेंज। व्हाई? बिकॉज ये स्प्रिंग में स्नोफॉल लाएंगे तो एवलांचेस होगा। एवलांच का मतलब मास स्लाइडिंग ऑफ द स्नो एंड ग्लेशियर एंड विच विल ऑल्सो रिजल्ट इन टू फ्लैश फ्लड्स, विच इन द प्रेजेंट लास्ट 2 decades flash floods have become more common because of the cloudburst phenomena, because of the glacial lake outburst which is happening, and now ये reason हो गया कि snowfall जो spring में हो रहा है, this is creating huge amount of avalanches and flash floods. So hence there is an urgent action required to build the resilience of Himalayan communities in the face of snow drought and its cascading impact. So urgent, इसके ऊपर emergency team बना के क्या क्या करना पड़ेगा, what all are the alternatives which we have to think, ये सोचने की बहुत जरूरी है। That's why इस आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। So spring snow and monsoon जो भी है, दिस मानसून के ऊपर कुछ क्वेश्चन आने का चांसेस मिलेंगे प्रीलिम्स में या मेंस में। सो गेट रेडी विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, स्प्रिंग स्नो, ड्रॉट, स्नोलेस हिमालयस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, एल नीनो, ला नीना, ग्लोबल वार्मिंग, इसका वेदर पैटर्न इंपैक्ट, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, so this is up with this particular video. Hope you have liked this particular video. Please do like it, share it as much as you can, so that it would be reaching the masses, so that they could enjoy the benefits of this particular video. And please do subscribe to Ekam IAS Academy channel, click on the bell icon so that you would be getting continuous notifications of it. Thank you for watching this. Have an awesome day. Jai Hind.